अगर आपका राशन कार्ड गांव का है और अभी आप शहर में रह रहे हो तो अब आप शहर की किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान से गांव वाले राशन कार्ड की मदद से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, आप किसी भी राज्य का निवासी अपने राशन कार्ड की मदद से उत्तराखंड में राशन के जरिए मिलने वाला राशन खरीद सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड के तहत लाभार्थी देश में कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का राशन कार्ड बिहार के किसी जिले में बना है लेकिन वो रोजगार के सिलसिले में उत्तराखंड में रहते हैं तो वो उत्तराखंड स्थित अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लेस राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपना मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करना होगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत संचालित राशन डीलरों की दुकानों को मॉडर्नाइजेशन करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अब दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में सस्ता गल्ली की दुकान से राशन ले सकेंगे। खाद्य विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी के नाते जो भी प्रदेश में हमारी पीडीएस की दुकानें चल रही है जो कि 9000 के आसपास बताई गई है, इसमें भारत सरकार की स्कीम के तहत जो राशन के विक्रेता हैं उनको सारा मॉडर्नाइजेशन करना है उसमें, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहाँ तक वन नेशन वन राशन कार्ड की बात है तो अन्य राज्यों के जो निवासी हैं जिनके पास वैध राशन कार्ड है वो अगर हमारे राज्य में प्रवास कर रहे हैं या मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ आ रहे हैं तो वो यहाँ के राशन की दुकानों से भी राशन ले सकते हैं। उसके बारे में भी सारे निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उसके कंप्लायंस की जा रही है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।